रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन बाइंग पॉसिबल है या नहीं है? तो जितने भी लोग सिर्फ इतना ही आंसर अपना लेने आए हैं तो उनके लिए बता देता हूं, जी हाँ रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन बाइंग पॉसिबल है। बट अब जितने लोग चाहते हैं कि अंकुश ने यस क्यों बोला है, या फिर अगर है पॉसिबल तो कैसे पॉसिबल है, पूरा सिस्टमेटिक प्लान या रोड मैप चाहते हो, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं आपका आंसर पूरा करके दूंगा। अब रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन बाइंग है तो इसका मैं पहले यस लिख देता हूं, जी हाँ हमारा आंसर है यस, हम रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल बहुत आसान है। देखो जो भी मैंने ये चीज लिखी है, बिल्कुल इसके दो तरीके के बंदे हैं, जो दो तरीके के बंदे हैं, एक तो वो जिनको ये लगा जी हाँ पॉसिबल तो है, एक दूसरे जिनको लगता है भैया नहीं बिल्कुल भी पॉसिबल ये नहीं है। अब जिन लोगों को ये पॉसिबल लगा है उसका माइंडसेट रीड करने की सोचो कि उस बंदे ने क्या सोच के पॉसिबल बोला था। उसने ये सोच के पॉसिबल बोला था कि यार उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो मार्केट से कम है, जी हाँ उसको लगता है कि हम रेगुलर इनकम बना सकते हैं, उसको इसलिए ये पॉसिबल लगा बिकॉज उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट से लिमिटेड है। कोई आदमी सोच रहा है कि यार मैं एक दिन का 2,000 से 3,000 रुपये बना सकता हूँ दिन का, तो जो आदमी ये सोच रहा है ना और अपना कैपिटल लगा रहा हूँ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये लगा के एक दिन में 2 से 3,000 रुपये बनाना चाहता है वो बंदा, तो उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल है। और ये जो रेगुलर इनकम वाला वर्ड है उसको ऐसा कोई अचंभा नहीं लगेगा कि यार रेगुलर इनकम हो सकती है ऑप्शन बैंक से, जी हाँ हो सकती है। अब आते हैं दूसरे साइड के बंदे जिनका आंसर ये था कि नहीं यार ऑप्शन बैंक से रेगुलर इनकम बहुत टफ होता है बिकॉज हर दिन मार्केट सेम नहीं होती। तो मैं बताता हूँ वो लोग कैसे वो सोच रहे हैं, बिकॉज उनकी जो ये एक्सपेक्टेशन है ना, जो हमारी सोच होती है कि हम इतना बना लेंगे, 50,000 रुपये से कितनी है डेली की, 20 से 30,000, जी हाँ। अब जो लोग यार डेली डबल करने की सोच रहे हैं, डेली 40 से 50% ROI मार्केट से निकालने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी मार्केट से रेगुलर इनकम नहीं हो सकती। अब आपके पास आंसर है कि यार हम इधर से रेगुलर इनकम कर सकते हैं नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोला था यस हम कर सकते हैं, तो उनको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो मेरा ये प्लान समझाने का मतलब क्या था कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम हो जाए मार्केट से, बिकॉज अभी लोग जिनको भी ये लग रहा है ना रेगुलर इनकम नहीं हो सकती, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण बता सकता हूं कि मान लो अगर मैं ये बोलता हूं मार्केट में 50,000 रुपए हैं और आप 50,000 रुपये की बाइंग कर रहे हो, तो आपको जस्ट पता है हर ट्रेड में अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पर ट्रेड में ओनली 5 से 7 पॉइंट कैप्चर करने हैं। अब 5 से 7 पॉइंट के आप कैप्चर नहीं कर सकते, आप खुद देखो जितने भी आप अगर अभी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जो PNL है वो 5 से 7 पॉइंट अप डाउन चलता रहता है। तो जैसे ही वो 5 से 7 पॉइंट जाता है आप वहाँ पर बुक करो और एक सही रिस्क मैनेजमेंट से अपना एक SL फाउंड आउट कर लो कि यार इतना SL मैं लूंगा, लेकिन ये SL अपने पैसे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से होना चाहिए, और दूसरी चीज सही रिस्क मैनेजमेंट की मदद से। तो बेसिकली अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको इतना तो बता दिया कि रेगुलर इनकम हो सकती है एंड हमारे साथ लोग कर भी रहे हैं। जिनको बिलीव नहीं हो रहा ना कि रेगुलर इनकम बस वीडियो बनाने के लिए कर रहा है बाकी होती नहीं है, तो आप एक बार मेरी पुरानी वीडियो देख लेना या फिर आप मेरे फ्री वाले टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। मैं अपने जितने मेंबर्स है, प्रीमियम मेंबर्स है जो मेरे कोर्स में एनरोल कर रखा है जिन लोगों ने, जिस कोर्स का नाम है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग विद अंकुश शर्मा, वहां पर मेरा एक लाइव प्रोपोजिशन बैच है, वहां पर जितने बंदे हैं उनसे पूछ लो रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, फ्रॉम ट्रेडिंग, फ्रॉम ऑप्शन बाइंग, वो लोग कर रहे हैं हमारे साथ। तो सारी चीजें पॉसिबल होती है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन मैंने अपने कोर्स में पढ़ा रखी है, कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना रिस्क वगैरह, एवरीथिंग मैंने अपने कोर्स में बता रखी है। और अगर आप भी कल से ही रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो हमारे साथ में तो बहुत आसान है, जस्ट आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाओ, अंकुश वर्मा लिखो, वहां पर मेरी एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन पर जाने के बाद मेरा कोर्स मिलेगा, उसमें एनरोल करिए, एनरोल करने के बाद में आप हमारे साथ रेगुलर इनकम कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे कोर्स में नहीं आना चाहते तो टेंशन मत लो, मैं अभी एक वेबिनार प्लान कर रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका टॉपिक यही होने वाला है कि हाउ टू अर्न रेगुलर, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगर हम एक इनकम स्टेबल बना लेना तो वो बहुत अच्छा इनकम सोर्स होता है। ऐसा कोई भी इनकम सोर्स अच्छा नहीं होता जिसमें आपने एक दिन तो लाख रुपए बना लिए और बाकी के दिन आप लॉस कर रहे हो या फिर बैठे हो। तो रेगुलर इनकम अपने को चाहिए, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे आपको उसकी टिकट्स मिलेगी, बहुत आसान है, आप मेरे प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो अंकुश वर्मा नाम से, एंड वहां पे आपको 6 जून को शाम को 6 बजे एक वेबिनार होने वाला है, वहां की टिकट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करके लिखना है, एंड उसके बाद से हम उस वेबिनार में बात करने वाले हैं कि रेगुलर अर्न के लिए आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, सारी चीजें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उस वेबिनार में फ्री टिकट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, पहले मैंने पेड भी किया था, बहुत अच्छा वेबिनार हुआ था, बट अब मैं बिल्कुल फ्री में कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए एंड लोगों का माइंडसेट ठीक पाए एंड साथ में रेगुलर इनकम कर पाए। तो अब हम वीडियो में दोबारा आते हैं।
आते हैं, हम इसमें बात करते हैं कि बेसिकली हमें एसएल कितना लेना चाहिए, सेकंड चीज कि हमारे रूल्स क्या होने चाहिए और हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए अगर हम रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन बाइंग से बनाना चाहते हैं। तो अगर नंबर वन रूल होता है एसएल कि हमें एसएल कितना रखना है, नंबर सेकंड अपना रूल होता है कि हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, कितने हमें कमाने के हिसाब से, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो कि हमारी अर्निंग इतनी हो और उसके हिसाब से हमारा कैपिटल कितना हो, उसके हिसाब से हमारा एसएल कितना हो। बिकॉज कोई आदमी तो एक दिन का 10,000 रुपए भी लॉस ले लेगा और कोई आदमी एक दिन का 500 रुपए भी लॉस नहीं ले पाता, तो इसलिए एसएल हमारे किससे होता है, अर्निंग से, कि आप जितना कमाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका एसएल प्लान होता है और जितना आप कमाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपका कैपिटल प्लान होता है। उसके बाद में तीसरी चीज आती है हमारी रूल्स, यानी कि हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी और क्या जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एसएल से। तो सबसे पहले मैं लेट सपोज कर लेता हूं कि आपकी अर्निंग है पर मंथ 20,000 रुपए, आप कमाना चाहते हो 20,000 रुपए एक मंथ में। तो अब 20,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा यहां पे 50,000 रुपए। जी हां, अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपए डाल देते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 20,000 रुपए। अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर आप 20,000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपका कैपिटल होना चाहिए 50,000 रुपए। अब काफी लोग बोलेंगे जी मैं इतने से स्टार्टिंग नहीं करना चाहता, तो उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वीडियो में आगे देखो। अब आता है बात हमारी एसएल की। तो हमारा एसएल होगा हम 3 से 4 लॉट में ट्रेड करने वाले हैं सबसे पहली चीज, और हम करेंगे स्कैल्पिंग। अगर आप ये सोच रहे हो मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा तो लॉन्ग ट्रेड से रेगुलर इनकम पॉसिबल नहीं होती, हमें स्कैल्पिंग करनी होती है और स्कैल्पिंग के लिए मैंने काफी सारी वीडियोस बना भी रखी है एंड अब वीडियो आने भी वाली है एंड मेरे फ्री वाले वेबिनार में मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी स्कैल्पिंग के ऊपर। तो बेसिकली स्कैल्पिंग में आपको 3 से 4 लॉट लेने हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए निफ्टी में 5 से 7 पॉइंट एंड हमारी बैंक निफ्टी में होनी चाहिए 10 पॉइंट। जी हाँ, आपका टारगेट होगा ये। अब आपका एसएल कितना होगा, इससे हाफ, यानी कि निफ्टी में आपका एसएल होगा 3 से 4 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी में आपका एसएल होगा 5 पॉइंट। आपको जो मैंने अभी बताया है जितने पॉइंट्स का टारगेट बताया, जितना एसएल लिखा है, उसको आपको एक डायरी में लिख लेना है एंड उसके बाद में ट्रेडिंग करनी है। जस्ट आपको ट्रेड करो, आपका जैसे टारगेट अचीव होता है निकल जाना, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाना। आपको मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आपने ये स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने बाकी वीडियो में बता रखी है प्रॉफिटेबल नहीं बने तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आज के आज में। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने सारी चीजें अपना के देख ली, मैं भी यही काम करता हूं, मेरे पास 2 अकाउंट हैंडल करता हूं। एक में तो मैं वो ट्रेड लेता हूं जो मेरे लाइव पोजीशन वाले बंदों को देता हूं, जिसमें बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं, जिसमें हम हर दूसरे तीसरे दिन एक्सपायरी पैसा डबल करते हैं, और एक अकाउंट है जिसमें जस्ट मैं स्कैल्पिंग करता हूं। इतना हमारा टारगेट होता है, इतना हमारा लॉस होता है, तो दोनों पीएनएल अलग चलते हैं, दोनों अकाउंट अलग चलते हैं। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर इनकम अगर आप चाहते हो ना तो आपको ये स्कैल्पिंग अपनानी पड़ेगी। उसमें आपको ये अपना टारगेट हो गया, कैपिटल बता दिया, अब बात आती है रूल्स की। तो रूल्स ये है, अगर आपके पास कम पैसे हैं आपको कम अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बदल गई, अब आपको 10,000 रुपए से जस्ट महीने में 5,000 रुपए बनाने हैं। अगर हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आरओआई आ जाता है 50%, लेकिन ये 5,000 रुपए आपको डायरेक्ट एक दिन में नहीं कमाने वाले। आप एक दिन में कमाओगे 1,000 रुपए और आप एक दिन में लॉस कितना लोगे, 400 रुपए। जी हाँ, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही रखना है अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो। तो आपको लोट कितने मिलेंगे, 1 से 2 लोट मिलेंगे मैक्सिमम, 2 लोट भी उस दिन मिलेंगे जब अपना एक्सपायरी के नियर होंगे। तो अगर आप थर्सडे को या फिर वेडनेसडे को ट्रेड करते हो तो आपके 2 लोट आ जाएंगे, अदरवाइज आपको 1 लोट से भी ट्रेडिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, 800 से 1,000 रुपए। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपकी जो कैपिटल होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं ना जो पैसा कमाने के लिए, तो ये मत सोचना कि मैं इन 10,000 रुपए को 20 कर लूंगा, इन 10,000 रुपए को 50,000 कर लूंगा, फिर 50,000 रुपए से जो अंकुश भाई ने बोला था कि मैं महीने के 20 से 30,000 रुपए बना लूंगा, वैसा हो जाएगा। जी नहीं होता ऐसा, आपको कम अमाउंट से सिर्फ सीखना है, आपको अपनी गलतियां नोट डाउन करनी है, आपको एक जर्नल बनानी है जिससे आपकी गलतियां सारी आपके आगे आ जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, मार्केट में ज्यादा पैसा लेके आना है। मार्केट में लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अभी 2 घंटे काम कर रहे हैं फिर मार्केट में अगर हम 10 घंटे काम करने लगेंगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा। जी नहीं, यहां पे अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है, ज्यादा पैसा लेके आओ, ज्यादा बड़ी ट्रेड मारो, पैसा बन जाएगा, लेकिन टाइम लिमिटेड जितना मार्केट चाहती है उतना ही आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पूरी वीडियो थी, इस वीडियो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कितना पैसा लगाना है, कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक हुई तो आप पैसा ही बना सकते हो एंड उसी के साथ में मेरा फ्री वेबिनार में प्लीज आ जाना, हाथ जोड़ के विनती है, बिकॉज मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वहां पर बताऊंगा, रेगुलर इनकम का सोर्स बताऊंगा आपको ऑप्शन बाइंग करके, कम कैपिटल होगा ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अगर आप कल से ही रेगुलर इनकम हमारे साथ करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई और टॉपिक भी वीडियो चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बना देगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा,
प्लीज कमेंट में बताना। उसी के साथ में मेरा एक व्लॉग भी आया जो मेरा पहला व्लॉग है, माई फर्स्ट व्लॉग, उसको भी आप वॉचआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको साइड में उसकी वीडियो दिख भी रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।